डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है फिर से एक बार क्लास सिक्स का एक टॉपिक लेके, नोविंग नंबर्स के बारे में। यानी नंबर्स के बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले जिसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे वो है नेचुरल नंबर। आपको नेचुरल नंबर के बारे में पहले से ही पता है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। वही वो नंबर जो हम वन से स्टार्ट करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन कंटिन्यू अप टू नो एंड। यानी एंड नहीं है यहाँ पे, लेकिन वन से स्टार्ट हो रहे हैं। इन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। तो नेचुरल नंबर्स को अगर हम देखेंगे फर्दर, इसको हम थ्री टाइप्स में कैटेगराइज करते हैं। कौन कौन सा टाइप है? सबसे पहले हम यूनिटी। यूनिटी एक वाहिद नंबर है जो पहला हम वन लिखते हैं, इसको हम यूनिटी कहते हैं, या यूनिट भी कभी हम कहते हैं इसको। तो ये होगा एक टाइप। उसके बाद अगर हम देखेंगे दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स जो है, इसमें जो बाकी बचे नंबर्स वन के बगैर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सो ऑन, इसमें से कुछ आधे नंबर्स जो है वो कंपोजिट है और कुछ नंबर्स जो है वो है प्राइम नंबर्स। यानी सिर्फ अब बाकी जो नंबर बचे हैं ये दो किस्म के सिर्फ है, एक या तो ये कंपोजिट, या तो कोई नंबर कंपोजिट होगा या फिर वो प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले हम जानकारी हासिल करेंगे आज कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे उसको अपने, यानी जो नंबर के बगैर आप उसको कम से कम दो फैक्टर्स में आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे 4 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 2×2, यानी 4 को आपने दो फैक्टर्स में एक्सप्रेस किया है और वो दोनों फैक्टर्स जो है वो 4 के बराबर नहीं है, यानी 4 के दूसरे 4 के बराबर नहीं है और 4 के दूसरे 4 से कम है। तो इसी तरीके से अगर आप देखेंगे 6 को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं 3×2, तो दोनों जो है 3 और 2 ये 6 के बराबर नहीं है। तो इसी तरीके से अगर आप 8 को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2×2×2, यानी 3 फैक्टर्स में आपने इसको कन्वर्ट किया है। तो इसी तरीके से आप इसको 4×2 भी कर सकते हैं, ना 4 8 के बराबर है ना 2 8 के बराबर है। तो इस तरीके से ये नंबर्स जो है जिनको आप फैक्टराइज करेंगे और उनके जो फैक्टर्स है वो नंबर के बराबर, उनमें से कोई नंबर के बराबर नहीं होगा, तो उस सूरत में उस नंबर को हम कंपोजिट नंबर कहेंगे। और उसके बाद जो बाकी नंबर बचेंगे, जैसे यहाँ पे आया 4 हमने लिया, 6 हमने लिया, 8 हमने लिया, फिर हम इसके बाद 9 भी ले सकते हैं, 9 को आप लिख सकते हैं 3×3, तो 10 भी आप ले सकते हैं, इसको आप 2×5 भी लिख सकते हैं, तो फिर 11 बचेगा, 12 भी आप ले सकते हैं, 6×12 भी आप लिख सकते हो, या आप 3×4 भी लिख सकते हो उसको। तो इस तरीके से अब जो बाकी नंबर बचेंगे हमारे पास उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो नंबर होता है, जैसे 3 यहाँ पे, 3 को आप लिख सकते हैं सिर्फ 3×1। अगर आप कुछ भी करेंगे, कुछ भी कोशिश करेंगे, तो इस फैक्टराइजेशन के बगैर 3 की कोई फैक्टराइजेशन नहीं है। तो इस तरीके से ये जो 3 है, 3 एक प्राइम नंबर है। अगर इसके बाद हम देखेंगे 5 को आप सिर्फ 5×1 फैक्टराइज लिख सकते हैं, यानी इन दो फैक्टर्स में से एक खुद ही नंबर है। तो हर कोई जो प्राइम नंबर होगा उसको जब आप फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे उसमें से उसका एक फैक्टर तो 1 होगा और दूसरा फैक्टर वो खुद ही नंबर होगा, उसके बगैर कोई फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं। तो इसी तरीके से 11 को आप देखेंगे 11×1, 11 खुद ही ये नंबर है और 1 इसका जो ट्रिवियल जो एक फैक्टर है हमारे पास है, जो हर किसी के नंबर के साथ आता है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उस नंबर को हम प्राइम नंबर कहते हैं। थैंक यू।